नया शख्स कौन आया? अच्छा आलेख, हाँ कहानी अच्छा नहीं मुझे लगा आप इनकी बात, हम तीन लोग हैं ना साथ में, हमारा तीन से पहली बार हो रहा है ऐसे तो ठीक है थोड़ी तो जलन बनती है। कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि देविका ने वरुण को तो मना कर दिया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुझसे अच्छे लड़के से मैं शादी करके दिखाऊंगी, तो बस ये अपनी जिद पे निकल पड़ी हैं और इनको एक लड़का मिला है आलेख जो इनसे शादी का प्रस्ताव रखता है और ये वरुण को जलाने के लिए उसको इमिडिएटली हाँ भी बोल देती है। जलाने के लिए कुछ नहीं हाँ बोलती है, उसको लगता है अच्छा लड़का है, मेरे बाबा की हेल्प की उसने, तो शी सीज़ गुड ह्यूमन इन हिम, इसलिए। लेकिन देविका की जो माँ है ना वो वरुण के साइड ही है, ये वो उससे बोलती है। कंप्लीटली राइट, आप क्या कहना चाहेंगे? आप काफी समझाने की कोशिश भी कर रही थी। मेरा यही काम है, माँ का काम क्या होता है यहाँ वहाँ से ताकते रहना, देखना क्या बातें चल रही हैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कैरेक्टर हमेशा सच बोलने का ट्राई करता है, कुछ ज़्यादा ही तो वही है। ओके, आपको एक शेर व शायरी के जरिए उन्होंने ये कन्वेंस किया है, तो उसके ऊपर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आप अक्सर गाना गाते रहते हैं, तो गाने के जरिए मैंने तो उनको बोल दिया था कि हिंदी गाना है, कोई शेर व शायरी नहीं है, झूठ बोल रहा है वो, कुछ नहीं है। हाँ, जो भी एटलीस्ट एफर्ट्स कर रहा है ना वो। शादी मुबारक। थैंक यू। अभी ये तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन के आया है और बोल रहा है कि ये इंसान गलत है, मैं क्यों यकीन करूँ, मतलब उससे, ये तो ये और उससे पहले वरुण ने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंटली बोला था, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, तुम्हें जिसको ढूंढना ढूंढ लो, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई मिलेगा ही नहीं। यार राइट, बस उसको ऐसा ही लगता है कि वो सबसे बेस्ट है, तो दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू प्रूव द अदर पर्सन रॉन्ग, उसको गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो देखती हूँ मैं भी कब तक करेगा और क्या क्या करेगा। तीन दिन बाद हम ये बात करेंगे कौन सही है कौन गलत है। ठीक है।